आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। बालाकंड, हजारा, पेशावर, कोहाट, बन्नू, योप, कोयटा और कल्लार डिवीजन में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और सिंध में मौसम आज शदीद गर्म रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के दौरान मौसम गर्म और खुश्क भी रहेगा। मौसम के हवाले से बताएं कि आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। बालाकंड, हजारा, पेशावर, कोहाट, बन्नू, योप, कोयटा और कल्लार डिवीजन में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और सिंध में मौसम आज शदीद गर्म रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के दौरान मौसम गर्म और खुश्क भी रहेगा। मौसम के हवाले से बताएं कि आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर कायद के मौसम की बात करें तो एक बार फिर मौसम वहां पर खुशगवार है। आइंदा 24 घंटे मतलब जुजवी तौर पर अबर आलूद रहेगा। शहर का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर और कम से कम टेम्परेचर क्या हो सकता है, बात करेंगे इसी पर अपनी नुमाइंदा मानिया शकील से। मानिया शकील, मौसम का हाल बताने वाले आज और कल के दिन के बारे में क्या पेशगोई कर रहे हैं? जी, मौसम का हाल बताने वाले ये पेशगोई करते हैं कि कराची में मौसम यूं ही सुहाना रहेगा आइंदा 24 घंटे के दौरान भी, मतलब यूं ही अबर आलूद रहेगा। मैं भी इस वक्त खुली फिजा में मौजूद हूँ, अच्छी हवाएं चल रही है, मौसम खुश भी नहीं होगा जिसके बायस जो है रोजेदारों को प्यास की शिद्दत भी कम महसूस होगी। और खासतौर से ज्यादा अगर दर्ज रात की बात की जाए तो वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और कम से कम दर्ज रात 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। और साथ ही अगर हम बात करें हवाओं की तो समंदरी हवाएं, क्योंकि चंद दिनों से कराची ऑलों पर मेहरबान हुई तो अभी तो चंद दिन और भी मेहरबान रहने वाली है। यूं ही ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, धूप नहीं है तो इसलिए गर्मी की शिद्दत का ज्यादा जो है एहसास नहीं हो रहा। और क्योंकि जो है अगर हम दो दिनों की बात करें तो आइंदा 24 घंटे के दौरान भी और आने वाले चंद दिन कराची वाले यूं ही अच्छा मौसम एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मानिया अपडेट करने के लिए।